कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। आज हम रिछोला गांव में खड़े हैं, जहां पर एक परिवार रहता है, गरीब परिवार है बहुत। और उनके पिता जो हैं जक्कन, वो कब्र खोदने का काम करते हैं। कब्रस्तानों में जो मर जाते हैं उनकी कब्र खोदने का काम करते हैं। उनका एक लड़का जुनैद सांप पकड़ने का काम करता है, लेकिन उसको कल सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। उसका जनाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके रिश्तेदार, तमाम रिश्तेदार आए हुए हैं और देख रहे हैं। जनाजा उनका यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी दूर से लोग देखने के लिए उनको आए हैं। और लगभग यहाँ पर नहलाने की तैयारी की जा रही है, मिट्टी देने की तैयारी की जा रही है, कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे ही मामले में हम जानकारी लेंगे पीलीभीत से, जो सांप पकड़ने का काम करते हैं उनसे। वो हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी मौत हुई और वो किस तरीके से सांप पकड़ते हैं। जी सर, जय हिंद। मैं स्नेक सेवा जिला पीलीभीत से हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ था कि कल जो त्यौहार मनाया जाता है तीज का, वहाँ पर ये सांप लेकर घूम रहे थे। और वहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर हमने जो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया था कि जब सांप दिखा रहे थे, सांप दिखाने के बावजूद और एक ही दांत उनके लगा था, वो कोबरा सांप था जिन्होंने अपना योगदान 15 सालों से दिया था। आज वो इस दुनिया भर नहीं रह गए। तो यही हमारा एक उद्देश्य है कि सांप को पकड़ना ये खतरों से खाली नहीं है, कि सांप के काटने से आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाएं, जहां पर अच्छी तरीका से ट्रीटमेंट करा के अपने घर वापस आएं, आपका खुशी परिवार रहेगा, यही हमारा एक उद्देश्य है। आप सांप पकड़ते हैं, किस तरीके से सांप पकड़ते हैं आपके पास? पास एक रेस्क्यू टांग है और एक स्टिक है, उसी से ही मैं रेस्क्यू करता हूँ। और इसके पास मेरे पास ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग द्वारा मैं सांप ही पकड़ता हूँ। ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी? ये बदायूं में एक स्नेक सेवर है, उसी के पास मैं रहा हूँ, जिसका नाम पप्पू नाथ है, उसी से मैं सीखा था। तो कितने सांप अभी तक आप पकड़ चुके हैं? कम से कम 20,000 के लपेट में पकड़ चुका हूँ, मुझे 20 साल सर्प रेस्क्यू करते हो गया है। अभी तक आपके सामने कोई खतरा सामने तो नहीं आया? हाँ, आया, कई बार आए कि सांपों में तो खतरा तो निश्चित है, और आते भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन मुझको भी वाइट हुआ था, मैं तो डिस्ट्रिक्ट गया था, वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट जो कुछ भी हुआ, और बिल्कुल मैं आज मैं स्वच्छ हूँ और सही हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको सांप ने काटा हो पकड़ते टाइम? एक बार काटा था। कब काटा था? ये लगभग 3-4 साल पहले मुझे वाइट हुआ था, और कोबरा ने ही मुझे वाइट किया था, अदीनापुर बंजरिया में भता के पास है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो सांप पकड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के। जब तक इसकी ट्रेनिंग ना हो, इसकी जानकारियां ना हो, हाथ बिल्कुल मत लगाना, मौत को दावत देना है। हमने पूरी बात आपसे पूछ ली, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा, नाम पूछना चाहेंगे? ठीक, मेरा नाम राम कैलाश है, मैं जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। थाना मेरा बरखेड़ा पड़ता है और गाँव मेरा आमडार पड़ता है। तो देख लिया, राम कैलाश जी एक स्पेशलिस्ट सांप पकड़ने के हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाई है और एक संदेश दिया है अपने माध्यम से कि सांप को बगैर ट्रेनिंग दिए ना पकड़ें। आज एक परिवार का जो फलता फूलता परिवार था, उसका आज घर उजड़ गया है। कल वो मार्केट में, बाज़ार में, मेले में सांप का खेल दिखा रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत होशियारी के साथ चलना है आप लोगों को। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।